रग छापे भाइयों देखो भारत को बदनाम किया, गोरख चाके नाम पे देखो भारत को बदनाम किया। आज तक हमारी मेवात में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। हमारी मेवात के लोग, हिंदू मुसलमान कोई भी 36 बिरादरी के लोग प्यार से, अमन से, चैन से जिंदगी गुजारते हैं और रहते हैं। लेकिन अब ये जो घटना हुई, इसमें कुछ बाहरी लोग आए और उन्होंने जाके ये हमारे बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी। की चिड़िया नरक बना दिया सारा, भारत था सोने की चिड़िया नरक बना दिया। मेव कौम देश की हित इसी है, मेवात देश के साथ मरना जीना है हम, इसलिए कि इन लोगों को समझ बैठे कि हम वो गीत जो मेवात के लिए लिखते हैं, इतिहास बनाते हैं, कि वो चीज मेवात वो है। हरियाणा की एकता और मिसाल हिंदुस्तान की, मेरा भाईचारा कायम देखो ये ताकत मेवात की। जब देश का बंटवारा हुआ उस टाइम हमारे यहाँ के लोग कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, तो महात्मा गांधी जी हमारे गांव घासाड़ा में आए थे, तो उस टाइम हमारे मुसलमानों ने, हमारे खास तौर से मेव भाइयों ने ये कसम खाई थी कि जब तक हम जिएंगे हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के ऊपर रहेंगे, और ये हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, हमें इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी के कहने के अनुसार आज ये पूरी मेवात हमारा अमन चैन से रहती है। अरे बापू जी घा सेड़े आयो, हिंदू मुस्लिम वाने सब समझायो, हिंदू मुस्लिम वाने सब समझायो। बापू गांधी में भारत को कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि भूल दिया था कि मालाएं तैयार रखो, जीजा रहा है। अब जीजा तो इस मेवात ने, मेव कौम ने अकबर को भी नहीं माना था, मुगलों को भी, ये सच बात है। इससे पहले इतनी नफरत नहीं थी, पहले प्यार था, भाईचारा था। अब जब से ये घटना हुई, थोड़ी भाईचारे में उसमें थोड़ी जलन सी महसूस हो गई लोगों के दिलों में। मेरा नाम लियाकत अली, मैं मीरासी जाति से संबंध रखता हूँ और मीरासी जाति का ज़्यादातर संगीत से लगाव है और ज़्यादातर संगीत का ही काम करते हैं। मेरे गानों में मैं ज़्यादातर फोक गीत गाता हूँ, अपने मेवात के इतिहास के ऊपर गाता हूँ, मेवात कल्चर्स के ऊपर गाता हूँ। मेरा नाम मैम जाकिर हुसैन है, मैं मीरासी ख़ानदान से ताल्लुकात रखता हूँ और ये मीरासी ख़ानदान जैसे कि इनका काम है गाने और बजाने का, मीरास हज़रत मीर अक्कासी ख़ानदान से हैं, हमारा काम ख़ानदानी गाने बजाने का है। ये सरस्वती माँ की देन होती है, ये तो सरस्वती माँ की अल्लाह की देन होती है, कुदरती कंठ में होता है, ये तो ये सभी को अल्लाह नहीं बख्शता ये बात। हरियाणा की एकता और मिसाल हिंदुस्तान की, मेरा भाईचारा कायम देखो ये ताकत मेवात की। नजरों के सामने बड़ा दुख पैदा होता है, जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे भाईचारे के बीच में, हम और ख़ास तौर से हमारी मेवात में। हमारी मेवात तो बहादुरों की मेवात है, जिन्होंने जब भी किसी ने भारत पर आक्रमण किया है तो हमारे मेवात के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। हमारे मेवात के 36 बिरादरी के लोगों ने, चाहे मुग़लों के साथ युद्ध हुआ हो, चाहे अंग्रेज़ों के साथ हुआ हो, और हमारी मेव कौम, हमारे मेवात के लोग, 36 बिरादरी के लोगों ने सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है देश को आज़ाद कराने में भी। हम लोग मैम ऐसा है, हम लोग कलाकार हैं, लेकिन बाहर से कोई आता है, मान लीजिए पुलिस प्रशासन ही आ गया, अब पुलिस प्रशासन हमारे माथे पर थोड़ी लिख रहा है कि हम कलाकार हैं, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना। ऐसा हुआ था, जो रास्ते में मिल गया उसको उठाओ और चलो, उठाओ और चलो, इस वजह से हमें भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। कम से कम एक महीने में घर लौटे हैं। क्या गुजर रही थी उस
उस टाइम गुजर रही थी, उस टाइम तो बस ये मुझे आंखों में आंसू थे और रोना आता था। बच्चे अलग, हम अलग, कहीं अलग, घर गांव अलग। वो दिलों पे ऐसे वो हमें अच्छी नहीं लग रहे वो शब्द जो मेवात को बदनाम करने वाले थे। मेवात बदनाम लायक नहीं है। मेवात जैसा हर एक रागनी लिखी थी हमने, हमारे चाचा लियाकत अली जी ने, हरियाणा की एकता मिसाल हिंदुस्तान की, भाईचारा कायम देखो ये ताकत मेवात की। अगर भाईचारा देखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका, तो हमारी मेवात में चल के देखिए। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि बोल दिया था कि मालाएं तैयार रखो, जीजा आ रहा है। अब जीजा तो इस मेवात ने, मेव कौम ने अकबर को भी नहीं माना था, मुगलों को भी। ये सच बात है, मुगलों से भी लड़ाई लड़ी रही देश की खातिर, अंग्रेजों से भी मेवात की लड़ाई रही मेव कौम की। तो 52 आदमी नूह में फांसी एक बड़ का पेड़ होया करता था, बड़ का पेड़ पे उनको लटका दिया गया, जिंदों को, उनके जिंदों के पोस्ट खींचा गया और उनको फांसी दे दी गई, वहाँ जिंद मार दिए गए, वो भी देश के लिए। इन्होंने कहा हमें देश से, हम अपना देश आज़ाद करवाएंगे, ये राज हमारा है आपका नहीं, ये देश हमारा है आपका नहीं, आप बाहरी हैं, आप बाहर जाइए, जहाँ से आए हो आप वहीं जाइए। दोबारा से भाईचारे को कायम करने की कोशिश होगी, नफरत नहीं होगी। ऐसे गाने नहीं लिखेंगे जिससे नफरत फैलेगी, वो गाने लिखेंगे जिससे भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे से मोहब्बत होगी। अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। मैंने पहले भी लिखा था एक गीत, भेदभाव को दूर करो, हम सब हैं हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक देश के हैं, हम भाई हैं, हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। प्यार मोहब्बत के लिए लिखेंगे जो भी कुछ लिखेंगे। और कलाकार का काम है सिर्फ प्यार देना, प्यार फैलाना, कलाकार का काम नफरत का नहीं है। 31 जुलाई को नूह मेवात में हिंसा हुई, जिसके बाद एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल रहा पूरे मेवात में। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के जो लोक गायक हैं, जो मिरासी समाज से आते हैं, उन्होंने एक उम्मीद जगाई है और वो अपने गानों के जरिए भाईचारे को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम सब हिंदुस्तानी रे, तम भेदभाव को दूर करो, सब हिंदुस्तानी रे, तम भेदभाव को दूर करो।